मैनपुरी के छोटे से कस्बे कुरावली की महिला ने जीता मिसेस इंडिया का खिताब। मैनपुरी जिले के कुरावली जैसे छोटे से कस्बे से आने की महिला ने मिसेस इंडिया का खिताब जीता है। मिसेस इंडिया द गॉडेस 2022 के लिए 35 कैंडिडेट सिलेक्ट होकर आए थे इस फैशन इवेंट में। इस जीत के बाद जब विजेता अपने घर पहुंची तो लोगों ने फूल मालाओं से मिसेस इंडिया का स्वागत किया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में मिसेस इंडिया 2022 द गॉडेस फैशन प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस फैशन प्रतियोगिता में सैकड़ों लोगों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें 35 महिलाएं चुनकर गई थी, जहां पर 18 दिसंबर को फैशन प्रतियोगिता में सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़ते हुए बबीता वर्मा ने मिसेस इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। एक गृहिणी द्वारा मिसेस इंडिया बनने पर बबीता वर्मा ने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जिसके बाद बुधवार को अपने घर लौटने पर भव्य स्वागत के लिए क्षेत्र के सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और फूल मालाओं से बबीता वर्मा का स्वागत किया। तो वहीं बैंड बाजे व आतिशबाजी चलाकर अपनी खुशी भी जाहिर करते दिखे। स्टेज से लेकर तैयारी के मोमेंट तक क्या क्या हुआ, बबीता वर्मा ने कैमरे पर बयां किया अपना हाले दिल। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक्चुअली मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यहाँ से और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे चली जाऊंगी, लेकिन जब मैं एज ए फाइनलिस्ट हो गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे नहीं पैरों के तले जमीन निकल जाती है, लेकिन थोड़ा अपने ऊपर विश्वास था और आप सबका साथ था, आप सबका आशीर्वाद रहा, तो मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच भी गई। एटलीस्ट जब मुझे पता चला मेरा नाम अनाउंस हुआ तो ऐसा लगा कि मेरा नाम अनाउंस हो रहा है, मैं इतनी एक्साइटेड हो गई और इतनी खुश हो गई कि चलो एक काम ऐसा मैंने कर दिया कि छोटी जगह से आके और मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। मुझे सच में इतने ग्रेट फीलिंग फॉर माय लाइफ। एक गृहिणी के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसा, क्या क्या आपको अचीव करना पड़ा, क्या क्या मेहनत करनी पड़ी? देखिए, एक गृहिणी हुई या कोई वर्कर लेडी हुई, उसको हर चीज बैलेंस में रखनी पड़ती है। गृहिणी की भी बैलेंस ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि हम मल्टीटास्किंग वर्क करते रहते हैं, तो हमको ये पता होता है कि हम मल्टीटास्किंग वर्क कैसे कर सकते हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। तो मैंने भी ये थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ी मेरे पति ने बच्चों ने साथ दिया। और इससे पहले भी आपने एक पार्टिसिपेट किया था एशिया किसके लिए, उसमें आप कौन से नंबर पर रही थी? देखिए, मैंने जब मिसेज उत्तर प्रदेश किया था तो मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तब मैं टॉप 5 में आई थी। उस दिन से मैंने सोच लिया था तो क्या हुआ, अभी मेरे सपने ना खत्म हुए हैं ना मैंने अपने आप से हार मानी है, इसीलिए मैंने ये और ज्यादा मेहनत की। लगातार एक साल से मेहनत कर रही हूँ, डाइटिंग कर रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके कहीं पे लूजमेंट ना हो जाऊं। और मैंने कोशिश की, हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क के बिना ये संभव नहीं था। क्या दिन चल रहा है आपका इन सब को करने के लिए? देखिए, मैं मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाती थी, फ्रेश हुई, उसके बाद में मेरा 1 घंटे का मैं वॉक पे जाती थी, पतिदेव साथ जाते थे। वॉक पे आने के बाद में मेरा थोड़ा सा वर्कआउट रहता था 15 मिनट का, उसके बाद प्रॉपर मेरी डाइटिंग रहती थी। डाइटिंग में आप जानते हो कि डाइटिंग करने के लिए बहुत कुछ अपने आप से समझौता करना पड़ता है। मुझे चाय बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने एक साल से शायद चाय नहीं पी है, लेकिन अब मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं जो कुछ मेरा ख्वाब था पूरा हो चुका है। बट एक दिन के लिए मैं ये करना चाहूंगी, केवल एक दिन के लिए। मेरा प्रोसीजर ये नहीं है कि नहीं मैं विनिंग हो गई हूँ तो मैं अब ये चीज स्टॉप कर दूं, मुझे और आगे जाना है, मुझे और मेहनत करनी है इसके लिए, ताकि मैं और आप लोगों का सर ऊंचा कर सकूं। और पतिदेव का विश्वास जीत तो लिया ही है, मैं और ऊपर जाना चाहती हूँ, एज ए मिसेज वर्ल्ड में जाना चाहती हूँ, तो मैं इस चीज को अपना कैरी ऑन रखूंगी। आपके हस्बैंड ने आपके साथ क्या क्या इसमें मदद की? सर देखिए, एक कोई भी लेडी हुई वो अकेले तो ये काम नहीं कर सकती है, सपोर्टिंग एरिया बहुत जरूरी होता है, फैमिली का हो, पति देव का हो, बच्चों का हो, समाज का हो। तो मेरे साथ सबका आशीर्वाद भी रहा है और पति का प्यार और साथ मेरे साथ दोनों ही रहे हैं, इन्होंने मुझे हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मैं इसके लिए इनके लिए हमेशा थैंकफुल रहूंगी कि, और ये भी सोचती हूँ कि ऐसे ही मेरा साथ देते रहें, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं ना, विदाउट एक साथ के ना ही पति आगे बढ़ सकता है और ना ही पत्नी, इसके लिए सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी होता है।